आठ ओवर में 91 रन्स और फोनिक्स फुलडाना की फील्डिंग सज चुकी है और पहली गेंद यहाँ पे अंपायर का इशारा प्ले का और ये पहली गेंद सामने डॉक्टर इकरार राजा प्ले। अच्छी गेंद वहां पे लेफ्ट आर्म बॉलर इमरान पहली गेंद खेलना चाहते थे मिडिल गेट की दिशा में और आपको बताना चाहो एमपीसीएल का ये फाइनल डे सेमीफाइनल पहला होता है यहाँ पे अकोला क्रिकेट ग्राउंड पे। अच्छी गेंद वहां पे बढ़िया स्टार्ट ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी कट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह बीट हुए। ये बल्लेबाजी ये ओपनर बैट्समैन अच्छी गेंद वहां पे अच्छी स्टार्ट सिर्फ सिंगल मिलेगा वहां पे उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे पावर प्ले के ये दो ओवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 91 का लक्ष्य बहुत बड़ा ये टारगेट दिया है फिनिक्स ने। काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है आए में अकोला की डॉक्टर दीपक मालोकर अमोल केड़कर इकरार राजा साउजी सर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास वहां पे हवा में गेंद जरूर थी लेकिन कोई मौका नहीं बना और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए लेकिन अच्छा बैकअप वहां पे दो रन जरूर मिलेंगे। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अकोला क्रिकेट का आउटफील्ड काफी तेज है। और यहाँ पे विकेट का पतन और अगले बल्लेबाज हेलो एक ओवर की समाप्ति के बाद चार रन आए में अकोला का बढ़ता स्कोर एक विकेट के नुकसान पे। हेलो पहला ये ओवर चार रन एक विकेट काफी अच्छी स्टार्ट। बड़ा शॉट यहाँ पे खेला है डॉक्टर इकरार राजा ने कोई मौका नहीं हुआ फील्डर को कैच पकड़ने के लिए और चार रन बहुत बढ़िया ये खेला हुआ शॉट मिड ऑफ का फील्डर अंदर था उन्हें पता है फील्डिंग की सजावट को देखते हुए खेला गया ये शॉट। हेलो अच्छी गेंदबाजी वहां पे हेलो वेलकम के लिए हाँ अच्छा शॉट वहां पे कवर की दिशा में खेलते हुए इकरार राजा सर का और दो रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए अच्छी बल्लेबाजी वहां पे इकरार सर द्वारा पावर प्ले का दूसरा ओवर आता हुआ
और एमपीसीएल के एलेक्स। और यहाँ पे डॉक्टर स्वप्निल वाट सर का वेलकम, आक्रमण होते हुए यहाँ पे डॉक्टर स्वप्निल वाट सर, इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, नाम तो सुना होगा, लीडिंग डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ अकोला डॉक्टर स्वप्निल वाट सर भी यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े कमेंट्री बॉक्स में। यही इस टूर्नामेंट की खासियत है, एमपीसीएल अकोला की गैलेक्सी अकोला की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, वहां पे गैप में खेला हुआ शॉट, गोल फील्डर के पास में मौका नहीं है, चार रन, बहुत ही बढ़िया ये शॉट, इसी तरह की बल्लेबाजी, इसी तरह की शॉट के लिए जाने जाते हैं अंकल का। और इसी के साथ में यहाँ पे शकील अंकल का भी वेलकम करूंगा कि वो भी यहाँ पे आए हमारे कमेंट्री बॉक्स में। तहे दिल से स्वागत करते हैं गैलेक्सी अकोला की तरफ से आए हुए गेस्ट का। अगली गेंद सामना करेंगे पवार सर। अच्छा, अच्छी गेंद, वहां पे हल्की सी मिसफील्ड, वहां पे एक रन जरूर मिलेगा। अच्छी बैटिंग, सूझबूझ भरी बैटिंग करते हुए धवल बल्लेबाज, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, आखिरी ओवर पावर प्ले का, एक ओवर पांच गेंद हो चुकी है, 16 रन बने, एक विकेट जरूर खोया है, लेकिन अभी तक अच्छी बल्लेबाजी। डॉक्टर इकरार राजा जब तक वहां पे खड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं कि किस तरफ मैच को पलटाने की क्षमता ताकत रखते हैं डॉक्टर इकरार राजा। और इसके बाद आने वाले बल्लेबाज भी एक्सलेटेड करते हैं अपनी बैटिंग को। अच्छा शॉट खेला हुआ शॉट, ग्राउंडेड शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे, और जितनी अच्छी फील्डिंग उससे भी अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पे बढ़िया रनिंग, जैसे रन चुरा लिया हो, एक रन था लेकिन काफी अच्छी रनिंग, उसे दो रन में कन्वर्ट किया। फिटनेस लेवल काफी अच्छा वहां पे डॉक्टर इकरार सर का और पवार सर का, अच्छी सूझबूझ के साथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते, दो ओवर 18 रन एक विकेट के नुकसान पे, तो काफी अच्छी तरह ये मैच आगे बढ़ते हुए, दो ओवर 18 रन हुए, इसी तरह के रन रेट की जरूरत, 9 रन प्रति ओवर की जरूरत है। इसके बाद आने वाले बल्लेबाज भी बैटिंग को एक्सलेट कर सकते हैं, डॉक्टर मालोकार सर, 12 से 13 रन की जरूरत है प्रति ओवर, अगर इस टारगेट को चेस करना है तो आए में अकोला को। मैं बताना चाहूँ ये नॉकआउट मैच जो जीता वो सिकंदर, सेमीफाइनल का ये मैच नॉकआउट मैच, जो टीम मैच जीतेगी आगे जाएगी, जो टीम हारेगी एलिमिनेशन हो जाएगा। बहुत बड़ा ये मुकाबला, पहला सेमीफाइनल आईएमए अकोला वर्सेस फिनिक्स बुल्डाना के बीच में। और लेग स्टंप के बाहर लटकी हुई गेंद थी, ऑफसाइड के बाहर थी गेंद, और देखना है काफी अच्छी अपील है वहां पे, अंपायर का इशारा, दोनों ही अंपायर आपस में बात करेंगे और फिर ये डिसीजन लेंगे। गेंद इतनी अच्छी नहीं थी, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, आपसी सूझबूझ के साथ डिसीजन लेते हैं अंपायर। अराउंड यहाँ पे आउट का विकेट, यहाँ पे जरूर ऐसा लगा था लेग स्टंप के बाहर की बॉल को बैट अंदरूनी किनारा लग के, अच्छी कैच वहां पे कीपर द्वारा, और एक अच्छा डिसीजन कि दोनों ही अंपायर आपस में बात करें और उसके बाद ये डिसीजन ले। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है दोनों ही अंपायर को। अमोल सर, अमोल केड़कर सर, अमोल सर यहां से आए बल्लेबाजी का धार संभालने, इकरार राजा, डॉक्टर इकरार राजा जो कि एक एम से खड़े हुए हैं अपनी टीम के लिए, उन्हें पता अगर टारगेट चेस कर रहे हैं तो एक लंबी इनिंग की जरूरत। और काफी अच्छी है गेंद, पूरी तरह बीट की है, समझ नहीं इस्तेमाल किया है इमरान ने, पूरी तरह से बीट किया है डॉक्टर अमोल सर को जो पहली गेंद खेलने आए थे। आए थे अकोला को ये मैच जीतना है तो अच्छी साझेदारी करना जरूरी है जुबेर भाई। अरे
और अच्छी गेंद, वहां पे कोई मौका नहीं दे रहे बड़ी शॉट खेलने का। और सिंगल रन से ज्यादा परेशानी नहीं होगी यहाँ पर फिनिक्स बुल्डाना को, क्योंकि जितना बड़ा ये टारगेट सेट किया है उन्होंने, सिंगल से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। अच्छी गेंद वहां पे, यॉर्कर लाइन डिलीवरी, कोई हाथ खोलने का मौका ही, हल्की सी मिस हुई और उसका पूरा फायदा उठाया, एक रन को दो रन में कन्वर्ट किया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां भी अपॉर्चुनिटीज बन रही है उसे मिस नहीं कर रहे, एक रन को दो रन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यही एक अच्छी फिटनेस दर्शाती है यहाँ पर, फिटनेस का ही नजारा है ये, एक को डबल में कन्वर्ट कर रहे है, फील्डर पे प्रेशर क्रिएट करके सेकंड रन लिया। काफी लेग स्टंप के बाहर ही अगेन अंपायर का इशारा है, यहाँ पे वाइड गेंद और एक एक्स्ट्रा रन मिलते हुए यहाँ पे आया मैं अकोला को। मुझे लगता है इमरान बॉडी पे गेंदबाजी करना चाहते थे लेकिन काफी लाइन से भटके और वाइड। अच्छी गेंद वहां पे, बड़ी शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा और लेग बाय का ये रन अंपायर का इशारा यहां पर। ये अच्छी चीज है कि डॉट गेम ज्यादा नहीं हो रही है, रन जरूर आ रहे हैं, बड़ी शॉटें नहीं दिखने मिल रही लेकिन रन जरूर बन रहे हैं सिंगल डबल के साथ। अच्छा ये शॉट कवर में खेला हुआ शॉट, कोई मौका नहीं है वहां पर फील्डर को, और ये चार रन के लिए जबरदस्त ये शॉट। इसी तरह की बैटिंग की जरूरत आईएमए अकोला को इस मैच को जीतना है तो। 3 ओवर 27 रन और यहाँ पे ड्रिंक्स, 3 ओवर की समाप्ति के बाद पड़ता हुआ स्कोर आईएमए अकोला का 27 रन 27। नहीं, सभी मैच के दे दिए, बाकी के जो ट्रॉफीज है वो नहीं, इसमें बहुत सारे ना सर, मैन ऑफ द सीरीज है, मैन ऑफ द मैच है, 5 मिनट के अंदर ले, उसके बाद होने वाले मैचेस सेकंड सेमीफाइनल जो कि गैलेक्सी अमरावती और एलओसी के बीच काफी बड़ा घमासान। दानिश चाहिए उनकी टीम को, क्या कहना चाहेंगे जो गैलेक्सी अमरावती है और एलओसी टीम इसके बाद जो सेमीफाइनल होने वाला है उसके बारे में? दोनों ही टीमें काफी तगड़ी टीम है, बहुत बड़ी ये टीम है, एलओसी अकोला की जानी मानी टीम है, काफी बड़े प्लेयर इस टीम में जुड़े हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक के हमने देखा है एलओसी का, तो इतना आसान मुकाबला नहीं होगा फिनिक्स बुल्डाना जो कि टूर्नामेंट कमेटी को से मैच जीता था। ये टूर्नामेंट है उसी तरह के परफॉर्मेंसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, गैलेक्सी अमरावती, गैलेक्सी अकोला, एलओसी, आईएमए अकोला, फोनिक्स बुल्डाना, और हमारे कैमरामैन यहाँ पे मदद सिर भाई काफी धूप में कड़ी मेहनत करते हुए। साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, चिकागो, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये टेलीकास्ट हो रहा है एमके स्पोर्ट्स द्वारा। 180 कंट्रीज से यहां पर अभी तक लोग व्यूवर्स जुड़े हैं ऑनलाइन इस मैच को देखने के लिए। क्या हुआ मयूर देशमुख,
आपका मैच इस मैच के बाद चालू होने वाला है मयूर देशमुख। और ये फिर से डिस्क ब्रेक के बाद आपको स्वागत करता हूँ फिर से। फोनिक्स बुल्डाना और अंपायर भी यहाँ पे जो अंसार कुरैशी सर, हमारे अंसार कुरैशी सर और मेन अंपायर, दोनों की एक्सपीरियंस अंपायर और मन्नू भाई जो बहुत ही जाने माने अंपायर है हमारे यहाँ पे अंसार कुरैशी सर और मन्नू भाई। ये अभी तक के 450 मैचेस में अभी तक के अंपायरिंग कर चुके हैं इंटरनेशनल मैचेस में, 150 टेस्ट मैचेस में भी इन्होंने अंपायरिंग की है टॉम मूडी के साथ में। और यहाँ पे फिर से फोनिक्स बुल्डाना का चौथा ओवर, बॉलर नेम राहिल अपना ये ओवर करेंगे यहाँ पे। डॉक्टर इकरार राजा सामना करेंगे राहिल का। काफी अच्छा ये कॉम्पिटिशन दोनों ही बल्लेबाज और बॉलर के बीच में। बहुत ही अच्छी ये गेंद पूरी तरह बीट हुए 30 गेंदे और 64 रन टू विन। अगली पांच ओवर में 64 रन बनाने होंगे अगर ये मैच को जीतना है आईएमए अकोला को। जरूर एक्सीलेटर पे पावर रखना होगा यहाँ पे आईएमए अकोला को इस मैच को जीतना होगा तो। और अच्छी शॉट की जरूरत यहाँ पे डॉक्टर इकरार सर अमोल सर के द्वारा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पे डॉक्टर इकरार सर द्वारा और अमोल सर द्वारा। प्रेशर पे फील्डर पे प्रेशर, सिंगल को कन्वर्ट किया दूसरे रन में। अच्छी ही गेंदबाजी वहां पे राहिल द्वारा। यॉर्कर लेंथ, अगली गेंद सामना करेंगे डॉक्टर इकरार सर। ओ लेकर प्रयास यहां पर, फील्डर मौजूद है पीछे और ये दो रन लेना चाहते हैं। क्या रनिंग है बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी रनिंग मैं कहूंगा। अच्छा थ्रो था गौरव द्वारा लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे दूसरा रन लेने में कामयाब हुए डॉक्टर इकरार सर और अमोल सर। काफी बढ़िया फिटनेस लेवल यहाँ पे। अच्छी फील्डिंग किया, अच्छा थ्रो किया गौरव ने, फिर भी दो रन लेने से नहीं रोक पाए राहिल। ओ क्या बात है बॉस, क्या गेम है ये। यॉर्कर लाइन डिलीवरी पूरी तरह बीट हुए और बहुत बड़ा ये झटका है हमें अकोला के लिए डॉक्टर इकरार राजा के रूप में। राहिल की बॉलिंग, यू मिस अ हिट, सीधी लाइन और लेंथ और यहाँ पे विकेट आए मैं अकोला को। लगता ये एक और झटका बैट्समैन नेम क्या ये शॉट हवा में, गेंद कोई मौका नहीं बन पाया और चार रन यहाँ पे अंपायर का इशारा। इसी तरह के कुछ शॉट की जरूरत है हमें अकोला को अगर ये मैच जीतना है। बहुत बड़ा लक्ष्य सामने खड़ा हुआ है यहाँ पे जो फिनिक्स बुल्डाना ने खड़े किया है ये लक्ष्य। बैट्समैन नेम सर, आई एम अकोला से रिक्वेस्ट है डॉक्टर प्रशांत। अच्छी बैटिंग, काफी अच्छा शॉट खेला था उन्होंने ये और फिर से ये गिरा हुआ शॉट हवा में, गेम कोई मौका नहीं और बहुत बड़ा ये 6 रन। इसी तरह के उलट तस्करी की जरूरत यहाँ पे आए हुए अकोला को मैच में बने रहने के लिए। हवा में गेंद, हवाई तस्करी, उलटू 6 रन के लिए खेल है। 4 ओवर 41 रन हो चुके हैं यहाँ पे 41, 4 ओवर में 41 रन बना चुकी है आईएमए अकोला की ये टीम।
इसी तरह के हवाई फायर की जरूरत यहाँ पे आईएमए अकोला को। मैच को जीतना है तो अगली 24 गेमों में 50 रन की जरूरत है आईएमए अकोला को अगर ये टारगेट चेस करना है। 24 गेंदे 50 रन, ऑलमोस्ट हर ओवर में कम से कम 12 रन बनाने होंगे, नामुमकिन सब कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह की शॉटें लास्ट ओवर में हमें देखने मिली है, उसी तरह की बल्लेबाजी की यहाँ पे जरूरत, हर ओवर में कम से कम 12 रन यहाँ पे चाहिए। 4 ओवर 24 गेंदे और 51 रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है और फाइनल में एंट्री करना है तो। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग मैच ये आगे बढ़ते हुए, पहला सेमीफाइनल आईएमए अकोला वर्सेस फिनिक्स बुल्टाना के बीच में, और पांचवा ओवर अपनी टीम के लिए गौरव लेके आते हुए फिनिक्स बुल्टाना। गौरव ऑलराउंडर ने टीम के लिए सामना करेंगे डॉक्टर अमोल सर। उठा के खेल दिया है उसको बड़ ऑफ की दिशा में और यहाँ पे चार रन खेल लिया वहां पे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए फील्डर और बॉल को बाउंड्री के साथ बाहर लेके गए। काफी उत्साह यहाँ पे आया मैं अकोला की टीम में, काफी उत्साह, काफी दर्शक उनको सपोर्ट करते हुए, उनकी ड्रेसिंग रूम में काफी खलबली यहाँ पे। इसी तरह की हवाई फायर जरूरी स्टेडियम यहाँ पे खचाखच 92,450 लोग यहाँ पे बैठ के मैच देख रहे हैं। 92,450 पीपल करंटली आर वॉचिंग दिस मैच फ्रॉम द ग्राउंड अकोला क्रिकेट क्लब। बहुत अच्छा ये मुकाबला और फिर से ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन एक अच्छी वापसी वहां पे डॉट गेंद के साथ में, और काफी अच्छा ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए। अभी किसी के पक्ष में नहीं कहा जा सकता, ये मुकाबला के पकड़ में है। थोड़ा बहुत हावी जरूर रहा है फिनिक्स बुल्टाना स्टार्टिंग कुछ ओवर में, लेकिन अच्छी वापसी वहां पे आए में अकोला की, और ये क्लीन बोल होते होते बच गए। इनसाइड एज जरूरी है और यहाँ पे बहुत बड़ा झटका यहाँ पे प्रशांत सर के रूप में, दूसरा रन लेना चाहते थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे प्रशांत सर, लेकिन थोड़ा सा मिस हुए वो कॉलिंग में, और उसी के साथ आईएमए अकोला को फिर से लगता हुआ ये बहुत बड़ा झटका। दो गेंदों में 10 रन बनाए, काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बहुत बड़ा ये झटका आईएमए अकोला को लगा है, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और बैटिंग कर रहे थे, अगर कुछ टाइम ही क्रीज पे खड़े रहते अपनी टीम के लिए, अच्छे लाइन में लग रहे थे प्रशांत सर, लेकिन उनकी जगह लेने को पहुंचे डॉक्टर दीपक मालोकार सर, जो कि इस मैच को बना सकते हैं। आई थिंक इनकी बैटिंग अगर चली, अगर बड़े बड़े हिट लगे तो इस मैच को पलट सकते हैं डॉक्टर दीपक मालोकार सर। अच्छी और अभी तक बता देता मैं, एक मिनट नहीं भाई, वो अपने को नहीं, काफी अच्छा और अब तक। और अगले में हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद नहीं है, कोई फील्डर पहुंच नहीं पाया, और अच्छी रनिंग वहां पे 2 रन चुरा लिए। इसी तरह की शॉट की जरूरत, इसी तरह के रन की जरूरत। और अगला जो मैच होने वाला है इस ओवर के बाद में टॉस होगा, एलओसी वर्सेस गैलेक्सी अमरावती के दोनों ही कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाए यहां पर। एलओसी टीम के कप्तान मयूर देशमुख, मयूर देशमुख कमेंट्री बॉक्स में आए। अच्छी गेंदबाजी वहां पे गौरव द्वारा इस मैच में, अभी तक अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में गौरव द्वारा।
और एलओसी के कप्तान से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स के पास टॉस के लिए तैयार है गैलेक्सी अमरावती और एलओसी अकोला के दोनों कप्तान। अच्छा उड़ा के खेला शॉट, हवा में गेंद, बहुत अच्छा कैच और ये कैच और ये विकेट जैसे लाइन सी लग गई है विकेट की कुछ ओवर्स में हमने देखा है और फिर से ये एक बड़ा विकेट का झटका यहाँ पे आया मैं अकोला के लिए। और अगले बल्लेबाज जो के डॉक्टर योगेश वर्गे सर यहाँ पे आएंगे। योगेश वर्गे सर, डॉक्टर योगेश वर्गे यहाँ से बल्लेबाजी का भार संभालेंगे। काफी तुरंत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर योगेश वर्गे और इसी तरह की बैटिंग उन्हें करना पड़ेगा। पांच ओवर हो चुकी है, 48 रन हुए, 48 रन कितने में कितने चाहिए बताओ। और आखिरी बचे 18 गेंदों में बॉलिंग बोल का मंगेश कितने में कितने चाहिए। अठारह गेंदों में 43 रनों की जरूरत थी इस गेम के पहले, मिसफील हुई वहां पे और दो रन मिलेंगे यहाँ पे। अभी 17 गेंदों में 41 रन चाहिए, 41 रन 17 गेंदे फाइव। इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे हो आए में अकोला के, लेकिन 50 से काम नहीं बनने वाला, इस मैच को जीतना जरूरी है हमें अकोला को। 17 गेंदों में 41 रन की दरकार, 17 बॉल। अच्छा कवर की दिशा में, अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग और उड़ा रहा फॉलो थ्रू में विकेट, अच्छी फील्डिंग और उड़ा रहा और विकेट का पतन यहाँ पे। और पिछली कुछ ओवर में हमने देखा जैसे लाइन सी लग गई है विकेट की, हर ओवर में एक या दो विकेट जरूर चटका रही है फिनिक्स बुल्डाना और इसी तरह पूरे धीरे धीरे मैच पे पकड़ अपनी बनाते हुए काफी स्ट्रॉन्ग साइड है फिनिक्स बुल्डाना की। जितनी अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने उतनी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, उतनी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पे फिनिक्स बुल्डाना का। आस्ते आस्ते कदम से फाइनल की ओर जाते हुए यहाँ पे फिनिक्स बुल्डाना और यहाँ पे टॉस के लिए तैयार होते हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास यहाँ पे डॉक्टर योगेश्वर के द्वारा कनेक्ट नहीं कर पाए जिस शॉट को खेलना चाहते थे। एक रन जरूर मिलेगा वहां पे, हल्की सी मिस फील्ड लेकिन ओवर थ्रो का रन नहीं है वहां पे, एक रन मिलेगा। और स्ट्राइक पे है तेजस वाघेला सर जो कि अपनी फिटनेस अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं और बैटिंग में क्या कमाल कर सकते हैं अपनी टीम के लिए ये तो पता ही चलेगा। अच्छी यॉर्कर लेंद वहां पे मिडिल विकेट की दिशा में सिंगल के साथ पूरा खेला, दूसरा रन लेना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग वहां पे 86 नंबर 45 द्वारा, अच्छी गेंदबाजी अभी तक। क्या कहना चाहेंगे फोनिक्स की गेंदबाजी के दृष्टिकोण से। और फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन बुरी तरह बीट हुए, काबिले तारीफ बॉलिंग लाइनअप यहाँ पे फिनिक्स बुल्डाना के पास वहां पे। और अच्छी गेम यहाँ पे पकड़ के जड़ में गेम की जा रही है, स्ट्रेट ड्राइव है यहाँ पे, अच्छा शॉट खेला है लेकिन 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 थोड़ी सी गड़बड़ाहट दोनों के बीच में, थोड़ा सा कंफ्यूजन। और यहाँ पे तेजस वाघेला सर जो कि रन आउट होके घर वापसी हुई है इनकी और सबको बैटिंग मिलना जरूरी। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन 6 विकेट के नुकसान पे आए मैं अकोला। 53 रन लास्ट गेंद पे सिंगल। ओवर हो गया क्या? ओवर हो गया ना, 6 ओवर
कौन है न्यू बैट्समैन कौन है इसमें? तो चौपन बता रहा हूँ, सिंगल चौपन को चौपन होगा। हाँ हाँ, न्यू बैट्समैन कौन है? शिंदे सर आए यहाँ पे बैटिंग के लिए। 6 ओवर 54 रन, 54 रन हुए। हाँ, 12 में 37 होना बोल। 12 गेमों में 37 रन, 37 रन चाहिए 12 गेमों में। अगर इस मैच को जीतना आया मैं अकोला को 37 रन बनाने होंगे 12 गेमों में। और अगले इस ओवर में टॉस भी होने वाला है। एलओसी, अरे कलाम भाई वो बॉल मत। काफी अच्छा खेला हुआ शॉट, हवा में गेम जरूरी है लेकिन नीचे फील्डर मौजूद और उतना ही अच्छा कैच। और यहाँ पे टॉस होने जा रहा है, एलओसी वर्सेस गैलेक्सी अमरावती, सेकंड सेमीफाइनल का टॉस होने वाला है। और ये टॉस करवाएंगे हमारे वकार भाई, वकार भाई बरार फार्मा, जो इस सेकंड सेमीफाइनल के टॉस को करवाएंगे वकार भाई। इस गेम के बाद टॉस होना भी, इस गेम की तक रुक जाए। बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम प्लीज जो स्ट्राइक पे। प्रशांत सर, ये लाल रिबन आती ना इधर ऐसी पट्टी आनी, ये ला लेना 15-20 रुपए की, एक मिनट एक रोल। और यहाँ पे टॉस हो चुका है, एलओसी वन द टॉस अभी डिसाइडेड, एलओसी ने टॉस जीता है यहाँ पे, लेकिन डिसीजन अभी पेंडिंग है। वो बैटिंग करेंगे या बॉलिंग इसी के। लास्ट ओवर है।
नौ ओवर के बाद 60 रन, 9 विकेट हो चुके हैं, 7 ओवर 60 रन, 9 विकेट, लास्ट मैन जोड़ी है ये। और इसी बीच दोस्तों ग्राउंड पर हमारे सबके चहेते जीआर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर शफीक अहमद सर का आगमन हुआ है। डॉक्टर शफीक अहमद सर का हम वेलकम करते हैं, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वेलकम सर टू द ग्राउंड, प्लीज इधर कमेंट्री बॉक्स में आए सर। सर आईएमए को थोड़ा सपोर्ट करने और मोटिवेट करने जा रहे हैं और उसके बाद सर सीधे कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। एक और चीज थोड़ा इधर सर कर लो, नहीं मैं थोड़ा सा नहीं एक बैठा ना फिर ही करो। आ जा इधर लो भाई, बैठा आ जा, दो भागे ना, दो रन और इधर दो है क्या? एलओसी की बैटिंग है और एलओसी ने यहां टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है। एलओसी ने सेकंड सेमीफाइनल, एलओसी वर्सेस गैलेक्सी अमरावती का ये सेकंड सेमीफाइनल इस ओवर के बाद खेला जाना है। एलओसी ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला चुना है और इस मैच में पूरी तरह पकड़ फिनिक्स बुल्डाना की। और जैसे कि एक फॉर्मेलिटी बस एक बाकी रह गई है जो कि कंप्लीट की जा रही है, क्योंकि 4 से 5 गेंदों में ऑलमोस्ट 30 रन चाहिए यहां पे, जो एक नामुमकिन जैसा हो चुका है। इस फुल टॉस गेंद थी, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास पूरी तरह मिस हुए और हल्की सी मिस फील और बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाते हुए, क्या गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर पाएंगी? जरूर। 4 आउटफील्ड जो है वो काफी तेज और फोनिक्स बुल्डाना इसी के साथ फाइनल की दिशा में अग्रेसर। औपचारिकता ही बाकी अभी, कितने बॉल बाकी? दो, कितने बॉल बाकी? दो बॉल, आखिरी दो गेंदे शेष इस मैच में, फर्स्ट सेमीफाइनल में। अच्छी गेंदबाजी वहां पे राहिल द्वारा और इस मैच की ये आखिरी गेंद आती हुई, इसके साथ फाइनल में पहुंच चुकी है फोनिक्स बुल्डाना फर्स्ट फाइनल टीम। और यहाँ पे काफी दूर से अभी अभी फ्लाइट से उतरे जीएम खान, अभी अभी फ्लाइट से उतरे। इसी के साथ ये मैच को जीत के आज पाउडर नहीं लाया, अरे यार वो तो और ये मैच यहाँ पे फिनिक्स बुल्डाना ने जीत लिया है और फिनिक्स बुल्डाना पहली वो टीम है जो फाइनल में एंट्री कर चुकी है। फिनिक्स बुल्डाना 2022 के इस टूर्नामेंट में फाइनल की पहली टीम फिनिक्स बुल्डाना, सेकंड सेमीफाइनल यहाँ पे एलओसी वर्सेस गैलेक्सी अमरावती के बीच में होगा। तुरंत अगले 5 मिनट में ये मैच चालू हो जाएगा। एलओसी ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है। गैलेक्सी अमरावती जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाए वहां पे, जितने जल्दी ये मैच खत्म होगा उतना आप लोगों को फाइनल के पहले टाइम मिलेगा।